हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास ट्वेल्थ वालों के लिए। यदि आप लोग बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप लोग महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे नंबर देने वाला है और ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो को देखते हैं। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच पाएगी और आप अपनी प्रिपरेशन एक्सेलेंट तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, ये हमारा महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय है। क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से पूछता है कि मान लीजिए महादेवी वर्मा जी का पूछ रहा है, तो लिखा जाता है कि साहित्यिक योगदान देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें मैंने थोड़ा सा आप लोगों को जीवन परिचय भी बताया है, क्योंकि इंसान के बारे में कुछ तो नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम उसके बारे में कुछ लिख पाते हैं। तो साहित्यिक योगदान को लिखने के लिए भी जीवन परिचय थोड़ा सा लिख लेना चाहिए। ठीक है, तो ये देखते हैं। सबसे पहले आपको महादेवी वर्मा लिखना है, यहाँ पर आपको डालना है जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय डाल के उसके बाद आपको लिखना है, श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में 1907 ईस्वी को होलिका उत्सव के दिन हुआ था। ठीक है, इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे और इनकी माता हेमरानी परम विदुषु और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। इनकी शिक्षा का प्रारंभ इंदौर में हुआ था और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुआ था। इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए सदैव संघर्ष किया और अधिकारों की रक्षा करने के लिए महिलाओं को शिक्षित होना आवश्यक बताया। सन 1983 ईस्वी को ये इस संसार को छोड़कर विदा हो गई। आज ये हमारे बीच नहीं है, किंतु इनके काव्य प्रेमियों के मानस पटल पर सदैव विराजमान रहेंगी। ये हमारा जीवन परिचय है। और अब हम साहित्यिक सेवाएं देखते हैं। स्टूडेंट, ये हमारा साहित्यिक सेवाएं हैं। इसको सबसे पहले आपको साहित्यिक सेवा लिखना है, हेडिंग डालना है और आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों को रेड पेन का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको ब्लू और ब्लैक का ही यूज करना है। तो आइए देखते हैं, लिखना है श्रीमती महादेवी वर्मा का मुख्य रचना क्षेत्र काव्य है। इनकी गणना छायावाद कवियों के बृहत्तुष्टई में होती है। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं। चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया है। ठीक है, ये हमारी साहित्यिक सेवाएं हैं। और उसके बाद आपको कृतियां या फिर रचना लिखना होता है। आपको सबसे पहले रचना हेडिंग डालना है, उसके बाद लिखना है महादेवी वर्मा या फिर महादेवी जी का मुख्य रचना इस प्रकार है। ये इस तरीके से आप लोग लिख देंगे। उसके बाद आपको डालना है निहार। ठीक है, ये इनकी रचनाएँ हैं। निहार डाल के आपको ऐसे करके फिर लिखना है, यह इनका प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। ठीक है, ये पहला हो गया। उसके बाद आपको दूसरा डालना है रश्मि। इसमें लिखना है, इसमें आत्मा परमात्मा विषयक आध्यात्मिक गीत है। ठीक है, उसके बाद तीसरा डालना है यमा। इसमें लिखना है आपको, यह महादेवी जी के भाव प्रधान गीतों का संग्रह है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ रचनाएँ थीं और ये हमारा साहित्यिक सेवाएँ थे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में लिखना है और अपनी राइटिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि राइटिंग पर भी नंबर कटते हैं। तो इसी तरीके से लिखिए, बहुत ही शॉर्ट करके मैंने आपको बताया है, आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का भी प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।